अच्छे ना। आज मैं आपको नमकीन हलवा बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिए सूजी मैंने भून लिया, जैसे कि मीठे हलवे में भूनते हैं बिल्कुल इतनी भूननी है सूजी। और ये मैंने आधी शिमला मिर्च ली है, बड़ी शिमला मिर्च थी ये, और थोड़ी सी पत्ता गोभी, और तीन छोटे साइज़ की प्याजे हैं ये, दो हरी मिर्च हैं, एक टमाटर, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लहसुन काटा है मैंने, और ये बकरे का गोश्त है जिसे उबाल लिया है मैंने, और पानी देखिए इसी में मौजूद है। और ये मसाला लिया है मैंने, एक चम्मच मिर्च, धनिया पिसा हुआ, हल्दी, गरम मसाला और नमक जायके के मुताबिक, और एक चम्मच ये वाइट विनेगर है, और एक चम्मच सोया सॉस है। हमने तेल ले लेती हूँ, देखिए इतना तेल लिया है मैंने, थोड़ा सा और ले लेती हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा तेल लगता है। देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है, और ये थोड़ा सा जीरा ये डाल देती हूँ मैं। देखिए जीरा हो गया है, अब मैं इसमें गोश्त डाल देती हूँ। देखिए अब मैं इसमें अदरक और ये लहसुन जो मैंने काट रखा है ये डाल देती हूँ, और इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। देखिए गोश्त का पानी सूख गया है और अदरक लहसुन भी सॉफ्ट हो गया है, तो मैं पिसे हुए मसाले डाल देती हूँ इसमें और इसे अच्छी तरह भून लूँगी। देखिए सूखा बिल्कुल भून गया है, थोड़ा सा पानी डालकर और भूनती हूँ इसे। देखिए एक कप सूजी है, तो दो कप पानी लूँगी मैं, अब ये पानी डाल देती हूँ इसमें मैं, एक कप पानी और लेती हूँ। नमक चेक कर लें इसका, इसमें नमक कम है तो मैं नमक और डालती हूँ इसमें ना, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जैसा खाते हैं, तेज़ या हल्का। और अब मैं इसमें उबाल लाऊंगी पहले एक, देखिए पानी में उबाल आ गया है। अब मैं ये सब चीज़ें डाल देती हूँ इसमें, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, पत्ता गोभी और प्याज। अब एक उबाल इसमें आ जाएगा तब मैं सूजी डालूंगी इसमें। देखिए उबाल आ गया है, अब मैं ये वाइट विनेगर और ये सोया सॉस, और अब मैं इसमें सूजी डाल देती हूँ। और अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी। अब मैं इसे खोल के देखती हूँ, देखिए हो गया है हमारा हलवा। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ, गैस बंद कर दिया, अभी 2 मिनट के लिए ऐसे ही रखा रहने दूंगी मैं इसे। अब खोल के देखती हूँ इसे, एकदम हो गया है ये, देखिए एकदम खिला खिला माशाल्लाह से कितना अच्छा बना है। देखिए माशाल्लाह से हमारा हलवा कितना अच्छा बना है, अली खाकर बताएगा ये कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।